हेलो फ्रेंड्स, क्यों आपको भी मोनेटाइजेशन स्टेटस में इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को जो कि मिल रहा है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। क्यों वहाँ पर आप बताया जा रहा है कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कैसे कीजिएगा कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाए दोस्तों। तो वीडियो को इंटेक देखते रहिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि भाई इसी तरीके आपका कंटेंट हमेशा जो कि लाता रहता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो ये प्रॉब्लम आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। ठीक नीचे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यू कैन नॉट यूज मोनेटाइजेशन टूल, दिस स्टेटस कैन बी अपीलेड। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप मोनेटाइजेशन टूल को यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे तरफ देख रहे जो ये स्टेटस है दोस्तों, ये अप्लाई जो कि किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक मेरा न्यू एक अकाउंट है दोस्तों, उसका जो ये मोनेटाइजेशन जो प्रॉब्लम आ रहा था उसका दोस्तों सॉल्व हो चुका है। सॉल्व हो जाने के बाद जो मेरा अकाउंट का स्टेटस है जो कि आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो इस तरीके देखने को जो मिल रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे। चलिए सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम ऑन कर देंगे, यहाँ पर आप लोग जो कि आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दिए। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इस पर हम लोग क्लिक करने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सेटिंग एज प्राइवेसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर क्रिएटेड टूल हैज कंट्रोल्स वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद चलिए मोनेटाइजेशन स्टेटस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन जो कि लिखा हुआ जो कि आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे, इसका आप लोग अकाउंट का देख सकते हैं, हमने अकाउंट को क्रिएट किया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों अबाउट योर अकाउंट में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हमने जून 2023 में जो कि ज्वाइन जो कि किया हुआ है। इस तरीके से दोस्तों बैक आ जाएंगे, हम एक दूसरा अकाउंट आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, उस पर ये जो कि अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, वहाँ पता है आप मोनेटाइजेशन टूल के लिए एलिजिबल जो कि नहीं है दोस्तों। जो अभी मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस मोबाइल में वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, वो अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो क्लिप उसका शूट करके आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, हमने दूसरा एक अकाउंट क्रिएट किया हो उसमें भी आप लोग जाकर आपको दिखाएंगे वीडियो क्लिप, वो आपको दिखाएंगे उस अकाउंट में भी दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन दोस्तों। तो आप अभी जो हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ, वो अभी हमने जून मंथ में क्रिएट किया हुआ दोस्तों। यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप जो नजर जो कि आ रहा हुआ है, वो दूसरा अकाउंट है जो कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या होगा कि जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आज कितना तारीख है, आज आपका आप लोग देखिएगा तो आज 28 जुलाई है। तो आपको 30 अगस्त को आप लोग देखिएगा तो जो वहाँ पर आपका अकाउंट का जो लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल मोनेटाइजेशन, वहाँ पर चेंज हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर एलिजिबल जो कि लिखा हुआ जो कि आने लगेगा दोस्तों। तो आपको 30 दिन तक आपको वेट करना होगा न्यू अकाउंट बनाए हुए दोस्तों। अगर आप इनकेस फ्यूचर में कभी कोविड क्लेम या इशू आता है दोस्तों, वो दूसरा होता है दोस्तों, वो आपको अभी आपको स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इस तरीके का आपको वहाँ पर देखने को जो कि मिलेगा। अगर आपको कोई भी कोविड इशू आता है या क्लेम आता है तो यहाँ पर इस तरीके का जो कि लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल, वहाँ पर लिखा हुआ जो कि आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को इन तक देखने के बाद आपको समझ गया होगा कि अगर आपका लिखा हुआ आ रहा है मोनेटाइजेशन टूल में कोई एरर आ रहा है, न्यू अकाउंट है जिसके कारण एरर आ रहा है, जो भी आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, रील्स हो गया या पोस्ट हो गया, तो आपको इंस्टाग्राम का जो भी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना होगा, नहीं तो इनकेस कोई फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो ये प्रॉब्लम आ रहा है उनका भी सोल्यूशन जो कि मिल जाए दोस्तों।